दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हम आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही कामयाब, बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म मेकर से, एक ऐसी हस्ती से जिन्होंने दिए आपको एक से एक जबरदस्त फिल्में, फ्रॉम कर्ज टू दाल टू हिज लेटेस्ट युवराज। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे मेहमान है द ग्रेट शोमैन, द ग्रेट फिल्म मेकर सुभाष भाई। सबसे पहले तो ये बताएं सुभाष भाई साहब, आप इतने, खैर अभी आपकी तारीफ तो मैं अभी करना शुरू करूंगा धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले कुछ भी कंजूसी मत कीजिए मेरी तारीफ के बारे में, क्योंकि मुझे तारीफ जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है और तारीफ के लिए मैं काम करता हूँ, तारीफ के लिए मैं जिंदगी में काम करता आया हूँ, क्योंकि अगर दाद नहीं होती तो फिर शायरी कैसे पैदा होगी। इतना जबरदस्त और प्रोलिफिक आपका करियर रहा एज अ डायरेक्टर, तो जब आप इंडस्ट्री में आए थे शुरू में, तो आपको लगता था आप इतने जबरदस्त, इतने कामयाब, इतने नामी डायरेक्टर बनेंगे? देखिए ऐसा है कि जब भी एक नौजवान लड़का स्ट्रगल करता है तो उसे सपने तो होते हैं लेकिन आगे अंधेरा ही नज़र आता है। तो हर उम्र में ऐसा होता है कि 18 साल की उम्र में आपको लगता है कि आई एम कन्फ्यूज व्हाट आई शुड बिकम, आप किसी भी पूछिए मालूम नहीं मैं क्या बनूंगा, लेकिन आपके कुछ हॉबीज और कुछ पैशंस होते हैं जो छुपे होते हैं, कुछ टैलेंट होता है जो छुपा होता है, जिसको वैल्यूएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं भी 20-21 साल में जब मैं पुनः फिल्म इंस्टीट्यूट में आया तो एज एन एक्टर आया, तो पहले जो शौक आदमी को 18 साल की उम्र में होता है वो एक्टर बनने का होता है, बिकॉज शक्ल ठीक ठाक होती है, चेहरे में भी अच्छा लगता है, और कॉलेज में भी मैं एक्टिंग करता था, गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उस एक्टिंग के चक्कर में मैंने एडमिशन लिया। लेकिन मैंने एप्लीकेशन जो दी थी वो दो दी थी, एक डायरेक्शन, मैंने बोला अगर एक्टिंग नहीं मिले तो मुझे डायरेक्शन में मिलना चाहिए, बिकॉज मैं कॉलेज में स्टेज प्ले करता था और आई यूज टू राइट डायरेक्ट एंड एक्ट एंड आई वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट इन माई यूनिवर्सिटी। क्या बात, एट माई लेवल इन माई प्लेस। सो जब मैं एक्टिंग कोर्स करने के लिए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में गया 2 ईयर्स, बिकॉज मेरे फादर ने एक बात मुझे समझाई कि जिंदगी में अगर सीरियस हो तुम और उस हॉबीज को तुम प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्कूल में जरूर जाओ, अगर अदरवाइज तुम बॉम्बे जाओगे तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम एक बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जो लाखों लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। अगर तुम डिप्लोमा लेके जाओगे तो दूसरे को ये तो लगेगा कि भी तुम सीरियस हो, आपने 2 साल की तपस्या की है, ट्रेनिंग ली है। तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ पुणे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से, इसलिए मैंने एजुकेशन को भी मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ और यही रीज़न है कि मैंने विस्लिंग बूट्स इंटरनेशनल स्कूल खोला। बहुत खूबसूरत कैंपस है, मैं अभी 2-3 हफ्ते पहले वहाँ गया था, नहीं थे बट एक शूटिंग चल रही थी, वेरी प्रीटी, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, इसलिए अब इतना टैलेंट है हमारे हिंदुस्तानियों में, और लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि अभी मैं अपना जगह कैसे बनाऊं। तो जगह तभी बना सकते हैं जब आप एक जगह जाएंगे जहां पहले अपने आप को वैल्यूएट करें। तो सुभाष भाई साहब, आप हमें बता रहे थे कि आपका ट्रांजिशन कैसे हुआ एक एक्टर से डायरेक्शन की तरफ। जब मैं एक्टिंग कोर्स के लिए गया तो मेरा देखा मैंने 2 साल के स्टूडेंटशिप में कि मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा है, तो मैं एडिटिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा जाता था, मैं साउंड डिपार्टमेंट में ज़्यादा घुसता जाता था, मैं फिल्में बहुत देखता था, एक्टिंग क्लास जो थी एक्टिंग वो मैं बहुत कम अटेंड करता था। I was not a brilliant student in as an actor over there. Though I was a brilliant actor during my college days, stage के ऊपर, लेकिन मेरा interest cinema की तरफ था, तो मैंने ये discover किया कि मेरा है, लेकिन फिर भी मैं जिद में था कि acting का diploma मिला है तो acting करनी चाहिए। जब मैं बॉम्बे आया तो बॉम्बे में भी उन्होंने मुझे United Producer Talent Contest में select कर लिया, जिसके 12 top producers थे जिसमें B.R. Chopra भी थे, तो उन्होंने जब select किया तो मुझे लगा मैं तो बहुत talented हूँ as an actor। लेकिन जब मैंने ऑफिस में धक्के खाने शुरू किए तो पता लगा वो धक्के खाते खाते 2 साल बीत गए। अगर छोटा मोटा मिल भी रहा है, कहीं आराधना में मिल गया, कहीं उधर मिल गया। आराधना था आपका? जी हाँ, तो आराधना में मैंने राजेश खन्ना का सेकंड जो फ्रेंड है इंटरवल के बाद, वो मैं हूँ, अगर आप आज भी आराधना अच्छा। देखें तो मैं अगली बार ध्यान से देखूँ। हाँ, वो मेरी पहली फिल्म थी, और उससे पहले एक फिल्म थी तकदीर जो कि राजश्री ने बनाई थी, उसमें भी मेरा एक छोटा सा रोल था। लेकिन मैं छोटे छोटे रोल करते करते एक जगह में उमंग फिल्म में पहुँचा जिसमें कि सेकेंड लीड था मेरा, लेकिन उससे मुझे रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन बहुत मिली और पूरी इंडस्ट्री ने देखा कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। उसके बाद मुझे 7-8 फिल्मों में हीरो बना लिया गया, लेकिन जो फिल्मों के डायरेक्टर्स थे वो बहुत न्यू नए थे, तो इसलिए वो फिल्में ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं बन रही थी, तो और मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि जो मेरे अंदर एक ड्रामेटिक सेंस थी या लिखने की सेंस थी उस हिसाब से वो फिल्में अच्छी नहीं थी, और मैं देख सकता था कि जो बन रही हैं मैं भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, सीन भी नहीं अच्छे हो रहे। तो मेरी फ्रस्ट्रेशन ऐसी हुई कि मुझे घर जाना पड़ेगा वापस। ये 3 साल की स्ट्रगल मैं कभी भूल नहीं सकता कि क्या करूँ मैं। लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि मुझे, मैंने अपने आप को ये वादा किया कि अगर 31 दिसंबर तक नहीं होगा तो मैं वापस चला जाऊँ। कौन सा 31 दिसंबर था वो? जो भी ईयर था, आई थिंक 71, 72 था समथिंग।
तो तब हादसा ये हुआ कि मैं अक्सर कहानियाँ शाम के टाइम पे अपने प्रोड्यूसर को सुनाता था या अपने दोस्तों को सुनाता था कि मैं ऐसी कहानी सोची है। तो मेरे एक दोस्त जो मेरे को एक्टर थे, उन्होंने जाके मेरी कहानी किसी बड़े डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को सुनाई। तो उन्होंने कहा यार ये कहानी मुझे दे दो। तो इस लड़के ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पहुँचा। तो उन्होंने कहा सुभाष कहानी सुनाओ, सुनाओ तुम्हारे पास बोली अच्छी है। तो मैंने सुनाई तो उनको कहानी बहुत अच्छी लगी। उसमें दो रोल थे, तो मुझे कहने लगे कि ये मुझे दे दो तुम। मैंने बोला एक रोल तो मैं करूँगा। तो कहने लगे दूसरे दिन बुला के कि देखो मैं स्टार कास्ट बनाना चाहता हूँ, इसमें दोनों स्टार होने चाहिए। तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता, लेकिन आप प्लीज़ कहानी मुझे दे दो। मैं अब ये जो 3 महीने की स्ट्रगल थी कि कहानी मैं दे दूँगा, तो इसका मतलब कि मैं राइटर बन गया। अब इसका मतलब कि मैं स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी राइटर हो जाऊँगा। अब एक्टिंग को छोड़कर स्टोरी की तरफ जाना एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरा। और कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी है वो आपकी नथिंग है, एक डिसीजन मेकिंग है, एक आपकी एक पर्टिकुलर मुकाम पर जजमेंट है कि आप किस आदमी को सिलेक्ट करते हैं, किस आदमी को रिजेक्ट करते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को पाते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं, वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैंने फिर अपने 3 महीने के उस दौरान में सोचा क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं कर रही है, क्योंकि ये ऐसा एक पेशा है, एक्टिंग का प्रोफेशन है, जिसमें डायलॉग कोई और लिखता है, मेकअप कोई और करता है, फोटोग्राफी कोई और करता है, डायरेक्शन कोई और देता है, और उसके हिसाब से मुझे कठपुतली के हिसाब से बोलना पड़ता है। भले ही उसके बाद क्रेडिट मुझे मिल जाए सिनेमा में, लेकिन मेरी क्रिएटिव अर्ज जो है इसमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं होती। बिकॉज उस वक्त तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करने देते, मुझे अपने हिसाब से परफॉर्मेंस करने ही नहीं देते। ऐसा था, एक्टर बिकम्स ए पपेट फॉर द डायरेक्टर एंड पर्टिकुलरली फॉर अ गुड डायरेक्टर ओवर देयर। और होता भी ऐसा है, प्रोफेशन ही में ऐसा है। पपेट बनने का मुझे शौक कभी रहा भी नहीं। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, बिकॉज आई यूज टू राइट एक्ट डायरेक्ट ऑन स्टेज। सो मैं अपनी जगह से अपना हीरो था, एक क्रिएटिव हीरो था मैं। देन आई एक्सेप्टेड। टू माई सरप्राइज 6 महीने के अंदर, जब वो कहानी भी की प्रकाश मेहरा जी के यहाँ, 6-7 महीने के अंदर 6-7 बड़े बड़े डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कि ये लड़के में बहुत टैलेंट है और ये स्टोरीज बहुत अच्छी सोचता है, लिखता है। तो आप मानेंगे नहीं कि 1 साल में 6 स्क्रिप्ट मेरे बिक गए, एंड माई होल फेट वॉज टर्निंग नाउ। और मैं सोच रहा था कि मैं दूसरी जगह में आ गया हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मुझे दाद मिलने लगी, मुझे एक्नॉलेजमेंट हुआ, मुझे प्राइस मिलने लगी। मैंने मैक्सिमम प्राइस मांगी तो भी मिली मुझे, ऐसा था। वही कहानी सुनाते सुनाते ही मैंने एक कहानी कालीचरण थी, जो कि 6 डायरेक्टर ने रिजेक्ट की थी। वही कहानी मैंने एक प्रोड्यूसर दूसरे को सुनाई, जो उनका नाम NNCP था, उनको वो कहानी पसंद आई। कि मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है ऐसी कि कहानी सुनाने में कितना वक्त लगता है? कहानी सुनाने में आपको 10 मिनट से लेकर 20 मिनट से 45 मिनट भी सुन सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने इंटरेस्टिंग तरीके सुनाते हैं और सुनने वाला कितना इंटरेस्ट से सुन रहा है। हाँ, नहीं, सुनने वाले में आपको जागृत करना पड़ता है इंटरेस्ट। कहानी सुनाने वाले 3 मिनट में आदमी बोर हो जाता हूँ। पहले 3 मिनट में ही अगर कहानी सुनाने वाला अच्छा नहीं है तो आपको बोर करने लग जाएगा। लेकिन अगर कहानी सुनाने वाला अच्छा है तो आप 1 घंटे तक उसके साथ उसकी आंखों में देखकर सुनते रहेंगे और फिल्म की इमेजिनेशन में चले जाएंगे। लाइक फिल्म में आप 10 मिनट में बोर जाते हैं शुरू में, लेकिन आप 2.5 घंटे बैठते हैं अगर ग्रिपिंग है तो। और सॉरी, जब आप कहानी सुनाते थे तो वो ड्रामा इफेक्ट क्रिएट करते थे या? आई यूज्ड टू ऑलवेज नरेट कि मेरी कहानी सुनाने का तरीका ऐसा कि जैसे आप फिल्म देख रहे हैं, तो मैं पूरी फिल्म दिखाता हूँ और उस तरह से मैं फिल्म सुनाता हूँ। इसीलिए जिस वक्त मैं स्टार्स लोगों को भी जब स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, मैं स्क्रिप्ट देता नहीं, मैं उनको कहानी स्क्रिप्ट सुनाता हूँ। तो जब मैं सुनाता हूँ तो उसके पूरे विजुअल्स, पूरी परफॉर्मेंसेस उनके सामने आ जाती हैं। क्योंकि कोल्ड टेक्स्ट में स्क्रिप्ट देना मेरे लिए बहुत भारी है। सही बात। कि मैं इसमें लिख के दूंगा, नॉवल की तरह वो पढ़ेगा, वो कुछ अपने इंटरप्रिटेशन आएगा, 10-12 क्वेश्चन करेगा। इससे अच्छा भैया तुम पहले सुन लो, उसके बाद मेरा टेक्स्ट का स्क्रिप्ट जो है ले लो, अब तुम्हें समझ आएगा कि क्या लिखा है इसमें। कालीचरण थी तो जबरदस्त। शत्रुघ्न सिन्हा की भी मेरे ख्याल से हीरो की बतौर वो पहली उस तरह की कामयाब, वो विलन के रोल किया करते थे, पॉपुलर विलन थे। और उसके बाद उनकी पहली एक फिल्म थी अहमियत की, जो सेंट्रल कैरेक्टर किया, डबल रोल, अजीत आल्सो, एंड इट बिकेम अ बिग हिट। बस वहाँ से फिर आप समझिए कि भाग्य ने पलटा खाया और हमारी एक नई यात्रा। सलमान खान के साथ काम करना कैसा था, क्योंकि वो तो बहुत ही ब्राटी किस्म के स्टार हैं। सलमान खान जो हैं वो, मैं एक लाइन में अगर कहूँगा, ही इज बॉर्न स्टार। कुछ लोग बॉर्न एक्टर, बॉर्न नहीं, वो पिछले जन्म में भी स्टार थे, वो अभी कर्ज टाइप है। 100% ये इसमें कोई शक नहीं कि पिछले जन्म में भी स्टार रहे हूँ। कि जो स्टार के बारे में अगर आप कोई कैरेक्टर लिखें, स्टीरियोटाइप जो होता है वो सब उनमें, हाँ, कि ये स्टार है, तो स्टार ऐसा होता है जिसके 4-5 आदमी पीछे लोग होते हैं, जो स्टाइल देता है, जो लोग उसकी तरफ देख के आकर्षित होते हैं, वो एक सितारा है, यू नो। वो सही मायने में सलमान खान है। सबसे अच्छी बात सलमान खान में ये है कि सलमान खान ये बिलीव करते हैं कि वो स्टार है। बाकी जितने स्टार्स हैं, मोस्टली उनको ऐसा रहता है कि मैं स्टार हूँ, मुझे वेल बिहेव होना चाहिए, स्टार हूँ, मुझे ये बोलना चाहिए, मेरे रेडियो में मुझे ये कहना चाहिए, टीवी में मुझे ऐसा होना चाहिए।
इनका ऐसा है ही नहीं। बोले स्टार तो मैं हूँ, अब मैं इसके बाद जो होऊंगा मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ, मैं रियल रहना चाहता हूँ। तो वो रियलिटी में स्टार हैं सलमान खान साहब, क्योंकि यही एक क्वालिटी है जिसकी वजह से वो आज 22 साल से एक्टर भी रहे हैं तमाम अप्स एंड डाउन के बावजूद। आज भी लोग उनको इतना चाहते हैं, उनकी 6 फिल्में फ्लॉप हो जाए तब भी चाहते हैं, दो बार जेल चले जाए तो भी चाहते हैं उनको। एंड आई ऑल्सो हैव सीन जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मैंने एक्टरों के साथ काम किया है, दिलीप साहब उन लोगों के साथ, शाहरुख के साथ, लेकिन इस तरह का स्टार तो मैंने कभी नहीं देखा। और मैं हंसता रहता हूँ, और अच्छी बात यह है कि लकी बात की ही है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी। तो जो अदब है वो मेरे सामने उसके बहुत अच्छा है, और उसने शायद मन में ये ठान लिया था शुरू में कि सुभाष जी के सामने मैं कभी स्टार बना नहीं दिखाऊंगा। स्टार बना तो दिखाऊंगा, वो तो मैं हूँ, लेकिन मैं कभी आर्गुमेंट नहीं करूँगा, कभी मैं मतलब उनको तंग नहीं करूँगा। तो स्टार बना तो उसमें बहुत तारीफ कर ली। अब ये बताइए प्रॉब्लम क्या हुई सलमान खान के साथ काम करने में, व्हाट वाज हिज बिगेस्ट हैंडीकैप फॉर यू? यू सी दिस स्टार के साथ जो बिगेस्ट हैंडीकैप जो होता है, एक होता है लेट आना। कि सलमान साहब अपने टाइम पर उठेंगे, टाइम पर एक्सरसाइज करेंगे, टाइम पर आप कुछ भी करते रहिए लेकिन वो अपने टाइम पर आएंगे, और उसके बाद आते ही आप फटाफट फटाफट शॉट लीजिए और उन्हें छोड़ दीजिए। ये उनका काम करने का स्टाइल है, जो कभी कभी डायरेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले 2-4 दिन तो मुझे तकलीफ हुई, लेकिन मुझे लगा क्योंकि एज ए डायरेक्टर भी हमको ना एक्टर के हिसाब से काम मोल्ड कर लेना पड़ता है। आपको रीशेड्यूलिंग करते हैं बोलते हैं हम लोग, और रीअलाइनमेंट बोलते हैं। डायरेक्टर और एक्टर का अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कोई भी पुर्जा दूसरे पुर्जे में फिट हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो पिक्चर खराब हो जाती है। सो वी ऑल्सो एज ए डायरेक्टर वी हमें मालूम दिलीप साहब को क्या चाहिए, एक अच्छी सी ट्रे, चांदी की ट्रे और चाय आपने दे दी तो शॉट अच्छा हो गया। अच्छा सी। तो हर एक एक्टर की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। हमारा काम यह है कि कैमरे के सामने हमारा काम ठीक होना चाहिए। तो सलमान खान जो हैं लापरवाह होते भी जब कैमरे के सामने आते हैं तो आपको लगता है कि ये लापरवाही नहीं थी, इस भाई को पूरा सीन मालूम था। ये अंदर से बहुत चालाक आदमी है, अंदर से अपने सीन को समझता है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये नहीं समझता है। बट नाउ इट हैज़ बिकम हिज हैबिट, ही हैज़ बिकम ए सलमान खान। बट वन थिंग आई कैन टेल यू, ही इज द बेस्ट ह्यूमन बींग इन दिस इंडस्ट्री। मैं भी मानता हूँ उनके दिल, उनका दिल को कोई छू नहीं सकता। जितनी गरीबों की मदद उन्होंने की है, जितनी ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है, फेलियर्स प्रोड्यूसर का साथ दिया है, फेलियर डायरेक्टर का साथ दिया है, उन्होंने इंसानों का साथ दिया है। मेरे सामने शूटिंग के टाइम पे कितने लोग आते हैं कि मेरी बेटी बीमार है, हॉस्पिटल में पहुँचा दो, हर जगह यही चलता रहता है उसको। आफ्टर शूटिंग या बिफोर शूटिंग आधे टाइम तो उसके आदमी यही काम करते रहते हैं। कोई ना कोई माई खड़ी होती है, बूढ़ी खड़ी होती है, सलमान भाई ये करना, सलमान भाई, एंड ही गोज़ ऑन डूइंग दिस। ये उसकी एक्सटेसी है, ये उसका हाई है कि मैं मदद करूँ लोगों की। दूसरा उसमें पॉलिटिक्स नहीं है कभी भी, वो इसीलिए वो मार्केटिंग में नहीं करना चाहता। कहता है सुभाष जी मैं मार्केटिंग इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कर सकता, मैं दिल से बात करता हूँ। उसमें फिर अगर मीडिया उसको उछाल के कुछ दूसरे तरीके से ले जाए तो मेरी ज़बान से कुछ गलत बात निकल जाए जो दूसरे को नुकसान हो तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर मेरे दिल की बात को कबूल करते हैं, चाहे मैं गलत हूँ या सही है, फिर तो मैं खुश हूँ। जैसे आप लोग करते हैं, जैसे मेरे दोस्त करते हैं, मेरे माँ बाप करते हैं, और मीडिया चाहता है कि आप स्पाइसी भी बात करो और आप पॉलिटिकली करेक्ट भी बोलो। ये दोनों चीज़ें मेरे शाहरुख खान मैनेज कर सकता है, सिर्फ शाहरुख कर सकते हैं, अमिताभ कर सकते हैं, आमिर कर सकते हैं। तीनों आर्टिस्ट जो हैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट बोलते हैं, जो अच्छी बात है उनके लिए। और कतरीना, आप क्योंकि आपने इतनी हीरोइंस के साथ काम किया, कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड, क्योंकि आप एक बड़ी अगेन पता ही जो युवराज फिल्म जो है वो है भी यूरोप के बैकड्रॉप में है, ऑस्ट्रिया में उसका पृष्ठभूमि है, और पराग और ऑस्ट्रिया की कहानी है, और वहाँ के एक डॉक्टर की लड़की है जो चेलो प्लेयर है, कतरीना वो रोल कर रही हैं। तो ऑटोमेटिकली जो यूरोपियन इंडियन फैमिली है उसमें इस तरह की लड़की जो है हमें सूट करती थी, चाहे उसकी हिंदी भी ऐसी है, चाहे उसका बॉडी लैंग्वेज, एंड शी लुक्स ग्रेट एज ए चेलो प्लेयर इन युवराज। अगर आप देखेंगे तो शी लुक्स सो सेंसुअल, सो ब्यूटीफुल, सो चार्मिंग, सो डिवाइन, कि आप बोलेंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट रोल के लिए कतरीना यही कर सकती थी। ये रोल कोई और भी हीरो नहीं कर सकती, कोई भी हीरो नहीं कर सकती। यू नो, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है सुभाष घई का, कि वो माधुरी दीक्षित को अपकमिंग स्टार थी तब उठाया आपने, बड़ी स्टार बन गई आपकी फिल्म रिलीज होते होते। ऐश्वर्या राय ताल में जब आई, एक दो फिल्म पुरानी थी, कतरीना के बस सितारे चढ़ रहे हैं, आपका पहले से साइन है, सही समय पर आ रही है। मतलब हाउ डू यू स्पॉट अ विनर, कि पहले से कि भाई ये लड़की या इसके दिन आने वाले हैं, मतलब आप एकदम फ्रेश न्यू कमर भी शायद एक महिमा चौधरी को लेके आए थे। ये चीजें तो मैं कैलकुलेट नहीं करता कि हाँ, आने वाले हैं तो इसको कैश कर लो, नहीं, लेकिन इंस्टिंक्टिवली होता होगा। आई नो कैलकुलेट नहीं करते होंगे, लेकिन एक इंस्टिंक्टिव स्पॉटिंग द विनर होता है। एक जो चीज जो अच्छी लगती है न्यू कमर में, कि उनका जो एक्साइटमेंट लेवल है टू वर्क विद मी,
सेकेंड थिंग उनके अंदर काम करने की इच्छा कि वो मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे, ये खाली मुझे ग्लैमर से अपने कॉस्मेटिक एक्सप्रेशन से मुझे प्रभावित कर रही हैं। मैं उनके अंदर के पैशन को देखता हूँ और फिर मैं फेस देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। अगर उनके अंदर पैशन है और पूरा कमिटमेंट है करने का, क्योंकि कुछ लड़कियाँ कहती हैं लेकिन कर नहीं पाती, जैसे कह हर आर्टिस्ट समझता है नया कि मैं बहुत बड़ा मेहनती हूँ और मैं हार्ड वर्क करूँगा जी, मैं ये करूँगा, लेकिन जब करने का वक्त आता है तो गिर जाते हैं वो लोग। तो एक तो ये मेरा सिलेक्शन में है कि चाहे वो माधुरी थी, महिमा थी, मानिशा थी, कतरीना थी, ये लोग जेनरली कुछ करना चाहते थे जब शुरू करते हैं। और वो देख लीजिए आप युवराज में कतरीना, कैन यू इमेजिन कि कतरीना कभी चलो बजा सकती है? आपने अभी इतनी फिल्में देखी, एक बहुत बड़ा रिस्क है एक डायरेक्टर राइटर के लिए उसको इस रोल में लेना, दैट शी इज़ ए लीड प्लेयर ऑफ सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम प्राग एंड ऑस्ट्रिया। अब प्राग ऑस्ट्रिया का सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा है, उसके सिम्फनी है, क्या सिम्फनीज हैं पूरे वर्ल्ड की, उसके सामने वो फ्रंट पे आके चलो बजाना एंड विद रियल वियना सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। फिल्म में जो युवराज में दिखाया है, जो म्यूजिशियन है पीछे वो ऑस्ट्रिया सिम्फनी एंड वियना सिम्फनी के लोग हैं, पर उनके आगे जाके हमने कतरीना को बिठाया कि तुम चलो प्लेयर, लीड प्लेयर करो। क्या बात। सो ये एक हिम्मत की बात थी, और उसके बाद कतरीना की हिम्मत की बात थी, उसको ये तो घबराहट होती है कि सर एक तो वायलिन बजाने भी मुश्किल है और ये बड़ी वायलिन में कहाँ से ले आए आप मेरे लिए। बट दूसरी लड़की की एक डेडिकेशन थी, उसने उसको ट्रेनिंग लिया, उसने हर बार हर शॉट में उसने परफेक्ट, चाहे वो हैंड मूवमेंट्स हैं, चाहे उसको बजाने का तरीका है, चाहे बॉडी लैंग्वेज है, इतना खूबसूरत दिया है कि आप युवराज देखेंगे तो आप लगेंगे कि एक नई, जैसे सरस्वती के हाथ में वीणा थी, इसी तरह से आज मॉडर्न लड़की के हाथ में एक चैलो है। एक बात बताइए सुभाष, आपने इतनी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है ना, आपने नाम गिनाए, मनीषा, माधुरी, ऐश्वर्या, कैटरीना, महिमा, एक तो आप, लेकिन फिर भी उनको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाए कैसे पेश कर पाते थे? दे वर इन एनी केस सच प्रिटी वुमन, बट इन योर हैंड्स। क्योंकि इसी क्या है कि मैं हमेशा सोचता हूँ जो सिनेमा है वो एक सपना है, सिनेमा हॉल में जब आप जाते हैं अंधेरा कर देते हैं, अंधेरा करने के बाद हम आपको एक सपने में ले जाते हैं, उस सपने में हंसी मजाक हो रहा होता है, कुछ ड्रीम्स होते हैं, कुछ गाने होते हैं। आपने कभी देखा जिंदगी में कोई गाना गाते हुए पहाड़ों के पीछे? नहीं ना, लाइफ में तो कोई नहीं गाता है। कभी बुद्धा जयंती पार्क में देखा आपने कोई लड़का लड़की ऐसे गाते हुए? तो उस सपनों में की दुनिया में हम जाना चाहते हैं, तो जब सपने हैं तो सपनों में ब्यूटीफुल चीज़ें दिखाना मुझे अच्छा लगता है, हर चीज़ ब्यूटीफुल होनी चाहिए। मुझे अगली चीज़ दिखाने में बहुत घबराहट होती है, मार धाड़ मर्डर, नहीं नहीं मेरे से नहीं होता। क्योंकि शायद कहीं आपके दिमाग में ये भी होता है कि आपकी मूवी फैमिली मूवी होनी चाहिए। हाँ, फैमिली मेरे लिए, फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा परिवार देखना चाहिए, 6 साल से बच्चे लेकर 60 साल तक, बच्चा जब बूढ़ा जब मुझे तारीफ करता है, अच्छे से परदेश थी, ताल थी, तो मुझे अच्छा लगता है कि सबको पसंद आई। मैं खाली यंगस्टर के लिए फिल्म नहीं बना सकता कि चलो ये फिल्म बनानी है, यंगस्टर का एटीट्यूड ये है, इट मीन्स आई एम सेलिंग माई क्रिएटिविटी टू वन सेक्शन, आई मस्ट सेल माई क्रिएटिविटी टू एवरी वन, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो इसीलिए जो गाने हैं वो मेरे लिए एक सपने हैं, उसकी जो भव्यता है, उसकी जो मैग्नम स्केल कंपोजिशंस हैं वो उनके लिए ड्रीम है, लोकेशन उनके लिए ड्रीम है। तो अगर आप युवराज देखें तो ये बिल्कुल एक सपना ही लगेगा आपको, युवराज में रियलिटी तो आपको बाद में पता लगेगी। रियल पिक्चर मैंने एक ही बनाई है, वो है ब्लैक एंड व्हाइट, अदरवाइज सभी पिक्चर जो है मेरी इज मोर ऑफ ए ड्रीम, यू कैन से दैट वी आर बट वी लव योर ड्रीम्स, थैंक्स, इट वाज, इट हैज बीन ग्रेट। टेल मी, ये थोड़ा अनफेयर क्वेश्चन है, लेकिन इन सब एक्ट्रेसेस में आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन लगती थी और सबसे ज्यादा टैलेंटेड? मेरी सबसे ज्यादा खूबसूरत हीरोइन तो मेरी एक ही है, माधुरी। और टैलेंटेड? देखिए ये टैलेंट जो चीज़ है ना, इसका एक मैं आपको राज बता दूँ, टैलेंट हमेशा पॉलिश किया जाता है, पहले रॉ टैलेंट होता है। बहुत से नॉन एक्टर हैं जो कि बाद में ग्रेट एक्टर बने हैं, क्योंकि टैलेंट जो है वो हर इंसान में है, जब बच्चा पैदा होता है वो टैलेंट होता है, ओनली थिंग उसको हम लोग कितना प्रोवोक करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उसको ट्रेनिंग में भेजते हैं और आस्ता 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 वो बढ़ जाता है अपने पैशन से और अपने इंस्पिरेशन से। इसीलिए ट्रेनिंग स्कूल जो होते हैं क्यों होते हैं, लाइक विस्लिंग बुड्स क्यों खोला, कि आप पहले अपने टैलेंट को पहचानिए। अब ये जगह है जिसमें टैलेंट को आप करते 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 आपको 2 साल में पता लगता है कि मैं तो ये इतना अच्छा कर सकता हूँ। तो ये माधुरी दीक्षित के बारे में अगर आप राज बताऊँ, तो शुरू में ना उसको एक्टिंग आती थी ना डांस आता था, बट बाद में तो आपके म्यूजिक और डांस का कॉम्बिनेशन, लेकिन उस लड़की ने खुद काम किया। जब उसको बताया गया कि तुमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, जिस सीढ़ी पे तुम खड़ी हो तो धरती है, अभी सीढ़ी पे तो चढ़ी नहीं तुम, तब उसने देखा इतनी लंबी सीढ़ी है और उसने प्रयत्न किए, उसने एफर्ट्स दिए और अपनी मेहनत करके पूरी ऊपर आई, वो खुद आई। हम तो एक जरिया थे, हम तो एक सीढ़ी थे। माय फेवरेट वाज योर खलनायक,
थैंक यू ऑफ माधुरी दीक्षित और शायद संजय दत्त ने भी उससे बढ़िया काम मुझे ध्यान नहीं आ रहा कभी किया। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने स्टार्स हैं उनसे बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकूँ, स्टार्स को भी मैं एक्टर बना सकूँ, ये मेरा हाई है। और ऐश्वर्य राय की भी शायद बेस्ट फिल्म्स में से एक ताल है, वो कैसे, क्योंकि शी वाज सो रॉ, आपने इतना अच्छा डांस, क्योंकि मुझसे पहले ऐश्वर्य राय को लोगों ने जो एक्सप्लॉइट किया था उसको मिस वर्ल्ड की इमेज को किया था, और मैं चाहता था कि पहले मिस वर्ल्ड की इमेज को डिस्ट्रॉय किया जाए और फर्स्ट हाफ में इस लड़की को एक डिवाइन ब्यूटी दिखाया जाए जो कि चंबा हिमालय से निकलती है, और करते करते फिर कॉस्मेटिक वर्ल्ड में दी एंड में लेके आया जाए। तो मैंने पहले ही ऐश्वर्य से कहा कि देखो मैं ऐसा रोल दे रहा हूँ जिसमें आई वॉन्ट टू डिमोलिश योर इमेज ऑफ मिस वर्ल्ड। शी वॉज वेरी हैप्पी। क्या आपने म्यूजिक का इतना जबरदस्त सेंस कैसे हुआ? कर्ज की बात करी, उसका जो थीम म्यूजिक है ना, वो मेरे ख्याल से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बेस्ट थीम म्यूजिक है, उससे बेहतर कोई थीम नहीं। उसके बाद जो म्यूजिक मैं सुनता हूँ आजकल, तो अगर आप हीरो की फ्लूट सुने तो भी आज डिस्को में बजती है हीरो की फ्लूट संग, तो अगर कोई चीज़ 30 साल के बाद भी बजती है तो इसका मतलब कि वो बहुत फेवरेट हुई है। लेकिन आपने उस पर्टिकुलर बीट या उसको कैसे अप्रूव किया कि यार यही सही है, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने कई बनाया, शायद आदि बर्मन थे ना इसमें जो सच बने, नहीं लक्ष्मीकांत पेरेवाल थे, लक्ष्मीकांत। इसमें सच बात यह है कि मुझे एक थीम पीस चाहिए था जो हॉन्टिंग पीस हो, जिसमें लड़का गिटार बजाता है और वह नेक्स्ट जन्म में भी वही गिटार बजाता है, तो उस साउंड की वजह से जो वैम्प है या विलन है वो देखती है कि ये साउंड तो मैं वही लड़का बजाता था, ये जो ट्यून थी, तब ट्यून सेलेक्ट करनी थी हमको, तो उसमें मुझे प्यारे जी ने, जो बहुत ग्रेट म्यूजिक कंपोजर हैं और ऑर्केस्ट्रा के नॉलेज में ही इज़ नंबर वन इन इंडिया एंड वन ऑफ द टॉप 10 इन द वर्ल्ड आई वुड से, उन जैसा कोई कंपोज ऑर्केस्ट्रा नहीं कर सकता है, तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मुझे ना 6 ट्यून सुनाई थी, आई रिमेंबर, अलग अलग पियानो पे, एक ये ट्यून, एक एक ट्यून, एक 6 ने 8 9 सुनाई थी उन्होंने, और जैसे उन्होंने सुनाई तो मैंने ट्यून नंबर 6 पे हाथ रख दिया। ये कैसे? अब जैसे उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने मेरे को ट्यून सुनाई, टंग डिंग टंग डिंग टंग डंग टंग टंग डिंग टंग डिंग टंग डंग डंग, दूसरी ट्यून डन 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 डन, तीसरी ट्यून क्या है, टन डन 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 डन, ऐसे करके 6-8 ट्यून है। तो भाई तीसरी ट्यून में मैंने हाथ रखा, अब पहले दोनों ट्यूनें मैंने दी, हालांकि वो भी अच्छी थी। तो ये कुदरत ने एक बात होती है, आपके इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होते हैं। म्यूजिक सेंस आपका सुभाष भाई साहब अमेजिंग है, मेरे ख्याल से राज कपूर के बाद, आपको राज कपूर की तरह लोग शोमैन कहते हैं, बट आई थिंक की बिगर सिमिलैरिटी इज कि मैं कहूंगा इसका ताल्लुक कुछ म्यूजिक सेंस, इसका ताल्लुक कुछ आपकी आत्मा से, आपकी सेंसिटिविटी से होता है, क्योंकि वो मैं आई जस्ट रिएक्ट टू द म्यूजिक, मुझे मतलब मैंने सीखा नहीं है, मेरे को सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि काश मैं शास्त्रीय संगीत सीखता या म्यूजिक की थ्योरी सीखता। माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा है आपने नहीं सीखा, यही रहमान साहब ने बिगड़ जाते आप। रहमान साहब ने यही कहा कि अच्छा हुआ कि आपने नहीं सीखा, क्योंकि सीखने में आप उस व्याकरण ज्योमेट्री में फंस जाते थे तो आपको बहुत मुश्किल होती थी। सुभाष जी जैसे आप रिएक्ट करते हैं, और हम रिएक्शन से समझते हैं कि अभी हमें कहाँ जाना है, और आपकी गाइडेंस से हम सब कंपोजर जो हैं सही रास्ते पर जाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे रहमान साहब। और आपने अमिताभ बच्चन के साथ शायद काम नहीं किया या किया है? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैंने नहीं किया, एक फिल्म हमने शुरू करने की कोशिश की लेकिन वो बन ही नहीं सकी। अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, आई थिंक हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एक्टर आज अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने कोई ऐसा रेंज नहीं छोड़ा है, कोई ऐसा रोल नहीं छोड़ा है जो उन्होंने पूरी तरह निभाया नहीं, बुरी से बुरी फिल्में अमिताभ खड़े रहे हैं और अच्छे तरीके से किया है, और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी तक उनके साथ काम नहीं कर सका, लेकिन मैं एक स्क्रिप्ट की तलाश में हूँ और मैं ज़रूर स्क्रिप्ट ऐसा लेके जाऊँगा जो कि अमिताभ बच्चन ने ना किया हो आज तक, वो मैं करवाऊँ, वो मेरी इच्छा है। जब तक वो रोल मुझे नहीं मिलेगा मैं अमिताभ बच्चन को प्रपोजल में नहीं निभाऊंगा, आई विल नॉट कास्ट एज स्टार्स बिकॉज आई हैव नॉट वर्क विद इन फॉर फैसिनेशन नहीं करूँगा, और ना मैं स्टार्स को बेचने के लिए करूँगा, मैं उसके लिए करूँगा अमिताभ बच्चन के लिए कि सर मैं ऐसा रोल ला रहा हूँ जो आपने कभी किया नहीं है, अब इसको करके दिखाइए, क्या बात, तो मज़ा आए। सही बात है सुभाष भाई साहब, आपने कहा माधुरी दीक्षित आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स में कोई फेवरेट सबसे ज़्यादा पसंद? दिलीप कुमार, मैंने उनके साथ 3 पिक्चरों में काम किया है, मैं उनसे यंगर जनरेशन में हूँ, वो सबसे बड़ी जनरेशन, पहली जनरेशन में। दिलीप कुमार जो हैं वो एक्टिंग के इंस्टीट्यूट रहे हैं, ये यंगस्टर को मालूम नहीं है। दिलीप कुमार के बाद जो 18 स्टार्स पैदा हुए हैं उन्हीं की कॉपी करके या उनसे इंस्पिरेशन लेके और उनकी बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करके, आज भी शाहरुख खान के अगर आप बाल देखेंगे, बालों का स्टाइल या बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, और आप दिलीप साहब की पुरानी पिक्चरों को 40s 50s की देखेंगे तो उस बॉडी लैंग्वेज में उनका अक्स मिलेगा, उसका रिफ्लेक्शन मिलेगा आपको। जो संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, एक्सेप्ट शायद राजेश खन्ना भी, ऑफ कोर्स सभी एक्टर, बल्कि संजीव कुमार नहीं थे, मैं आपको बताऊँ राजेंद्र कुमार थे, राजेश खन्ना थे, अमिताभ बच्चन थे, शाहरुख खान, जितने सुपरस्टार्स बने हैं
उनमें दिलीप साहब का अक्स ऑन रिफ्लेक्शन उसमें है, चाहे वो डिलीवरी में है, चाहे बॉडी लैंग्वेज में है, चाहे हेयर स्टाइल में है, लेकिन है। अब अपनी हर फिल्म में एक छोटे सीन में क्यों होते हैं वो? हमारे एक्टिंग के दिनों की वो हमारी एक मोहब्बत है, हमारी ऑडियंस बहुत अच्छा लगता है, वो एक फ्लर्टेशन है। देखो आपने भी सवाल पूछा तो हमारी एक ऑडियंस के बीच में एक फ्लर्टेशन है, जो थोड़ा सा मैं झांक के देखता हूँ, अगर मैं ऑडियंस को मुस्कुराहट देता हूँ तो इसमें क्या बुरा है? आपकी फेवरेट फिल्म यू नो आपकी या किसी और की, मतलब जो जो रियली जैसे किसी में, जैसे मेरी मुगले आजम है, पता नहीं क्यों मैंने बस सोच लिया। मेरी फेवरेट फिल्म एक ही है, वो है मदर इंडिया। वो मैं उसको 10 बार देख सकता हूँ, 10 बार देख चुका हूँ। जो फिल्म बार बार आप देख सकें और बार बार उसको इंजॉय करें, बिकॉज मदर महबूब खान साहब ने जिस तरह से उसके हर कैरेक्टर और हर सीन को जो पैशन दिया है, ओह वो आज के डायरेक्टर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। एक डायरेक्टर ऐसा नहीं है जो मदर इंडिया जैसी पैशन, एनर्जी, लॉजिक, पेन वो ला सके। हम भी नहीं बना सकते, हम बहुत पीछे हैं। हम लोग काम कम है, हम तो नकलची हैं उन लोगों के। हम आधी नकल करते हैं, फॉरेन फिल्मों की आधी नकल करते हैं, अपनी फिल्मों की गाने भी बनाते हैं 60s 70s के, उठा उठा के ट्यूने वही डालते चले जाते हैं। ऐसे रन डाउन मत करिए अपने आप को, क्योंकि आप में सच में बहुत ओरिजिनल स्पार्क है, कई जगह दिखता है। और यू सी सन इज ऑलवेज अ फादर ऑफ मैन, कल हमसे भी बेटर यंगस्टर की जनरेशन करेगी, लेकिन ये फॉर्म में हो रहा है, कंटेंट में नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी से बच्चों लोगों ने बहुत आगे लेके गए यंगर फिल्म मेकर्स में से, लेकिन अभी जब देखो ना, मुझे आप बताइए कि गाने को देखते हुए आप उसकी पोएट्री सुनते हैं? अब गाने आज देखने के लिए रह गए, सुनने के लिए नहीं रह गए। लेकिन जब आप गाना को जस्टिफाई करते हैं विजुअल के साथ, तो आपको लगता है अगर उसने कहा चांद तो आपने चांद दिखाया है, चांद की चांदनी है तो आपने चांद की चांदनी की जगह अगर आपने डिस्को दिखाया है तो क्या मतलब हुआ चांद की चांदनी? सुभाष भाई कोई रियली अनफुलफिल्ड बिग ड्रीम, क्योंकि पिक्चरों की दुनिया में तो आपने बहुत कुछ किया, असफलताएं भी पाई, वो वक्त कैसे निकलता है? बिकॉज आपकी इतनी स्ट्रिंग ऑफ हिट्स के बाद अनफुलफिल्ड ड्रीम के बारे में तो मुझे लालच वाली बात है। इसे खामख में आपको ईश्वर देता चला जाए और आप अनफुलफिल्ड ड्रीम बोलें, इससे ज़्यादा एक आदमी को क्या चाहिए? आप सुभाष घई हैं, आपके पास लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके पैसा है आपने दिया हुआ, और आपको इतनी क्षमता दी है कि आप किसी को दे सकते हैं, आप योगदान कर सकते हैं, आप इतना बड़ा फिल्म इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जिसमें कि 500-500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आने वाली जनरेशन जो होगी वो आपको याद रखेगी कि सुभाष घई साहब ने दिया। इससे बड़े मैं और क्या चाह सकता हूँ? अब मैं यही चाह सकता हूँ कि ये जो आने वाले बच्चे हैं ये ऑस्कर लेने के लिए जाएँ, बिस्लिंगवुड से जो निकलें वो बच्चे जो हैं कामयाब होने चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। आप भी कभी अपनी इमेज में कैद हो जाते हैं? क्योंकि इतने लोग आपको बोलते हैं ग्रेटेस्ट शोमैन आफ्टर राज कपूर, बिगेस्ट शोमैन, तो ये खुद के लिए भी तो एक ट्रैप सा हो जाता होगा। ट्रैप तो होता है, मैं इसको जिम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि दे डोंट लव सुभाष घई, दे लव सुभाष घई वर्क। इफ माई वर्क इज इन्फीरियर दे विल नॉट लव मी, सो दे मेक मी मोर रिस्पॉन्सिबल टू डू बेटर वर्क, टू ब्रिंग बेटर फिल्म्स, टू डू बेटर जॉब्स, टू बी ए बेटर मैन। तो ऐसी कोई मैं भ्रम में नहीं हूँ कि लोगों ने कहा मैं शोमैन हूँ तो मैं को टोपी पहन के कुतुब मीनार के ऊपर खड़ा हो जाऊँ। सुभाष घई साहब आप शामिल हुए, इतने इत्मीनान से हमसे बातें करी, वी आर वेरी ऑब्लाइज्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।